मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। और इस बारी चटोरी शो के लिए मैं आ गई हूँ, आपके साथ नहीं है हमारी बहुत ही चटोरी जो हमेशा खाने के लिए बहुत उत्साहित रहती हैं। कुमकुम आप जानते हैं और नाजनी होती हैं साथ में, लेकिन इस बारी हम आ गए हैं, मैं और मेरी सहेली रीना। हम टीकमगढ़ ज़िले के दुनातर गांव में हैं। यहाँ पर हम क्या खाने वाले हैं वो मेरी सहेली ही बताने वाली हैं। हम दीदी आपको आज खिलाने वाले हैं महुआ की डुबली, जो कि आपने कभी खाई होगी या नहीं खाई होगी, लेकिन हम आपको यहाँ पे बना के खिला रहे हैं। आप भी खाएं, चलिए, और किस तरह से इसका स्वाद है आप इसका टेस्ट भी करिए किस तरह से लगता है। तो चलिए, आप तो जब रीना से मेरी बात हो रही थी तो रीना ने बताया था कि वो डोबरी बनेगी वो भी चूल्हे में। वाह, क्या स्वाद है। चलो फिर रीना, चलते हैं। चलते हैं। जा डुबरी बनावे जा रहा है आज। हम पहले के ज़माने में बहुत घनी चीज़ खाते बहुत, वो पानी की वैसा में अषाढ़ में से हम शुरू कर देते। इसमें हम बहुत मगवा आंतरे चौथे रोज आठा पाखाए रोजे हम जब बना के खा लेते। उसमें चना डालते जो मऊआ है, उसमें बरौदा जो नारियल को बरौदा डालते हैं, उसमें चिरौंदी दाने डालते, उसमें जे मखाने डाल दी, उसमें जे दाखें डाल रही, और जो आटो भी बनते हैं इसमें फरा भी बनाते हैं, नहीं उसमें बनाते उसे डालते हैं। आपका सुबह का नाश्ता है ये? हाँ, सुबह का है नाश्ता, बढ़ गया है। खा के हम निदाई में जाते, चारों काट में जाते, वो फिर आते दोपहर में तो बेग बे खा लेते। हाँ, बहुत मीठी चीज़ होती जा। एक बारी गर्म पानी से धुला, अब हाँ, अब जो ठंडे पानी से धोने। अब जैसे आगे बार जाए बहुत टाइम लगे है, लग जाए दो घंटा। चुड़े भी अच्छे, मस्के भी बढ़ गया, इसमें जो चुड़ रहे फूल गए भी, जो आटो को जो फरा बना उतने ही। अच्छे हो जाते मगुआ, उसको अच्छे पे डाल देते हैं चना, और फिर साथ साथ में संगे संगे वे चोरे आते हैं। आटे के फरा बनाए थे, इसमें फरा भी डाल रहे। अब इसमें डालेंगे जो चिरौंजी दाने जी, दाखें। अब इसके बाद देखो जे मखाने डाल रहे जी। अब इसके बाद ये बरौदा जी डाल रहे। अच्छी नाक जो सरा जाए बढ़ गया तो खाते हैं। फिर आप लोग खाओगी बहुत अच्छी लगे मीठी। आप बोलो जे ही बोलो कि हाँ आप फिर भी बार बनाने बना जो। तो आप देख रहे हैं ये बन के तैयार है डोबरी। तो दोस्तों
बनकर तैयार है महुआ की डोभरी। और अब तो मैं खाने वाली हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें जो जो चीज़ें पड़ी हैं, मेवा की खुशबू और महुए की खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो चलिए खाते हैं फिर। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। इसमें महुए का टेस्ट और फिर चने का स्वाद और जो मेवे पड़े हुए हैं वो सारा बहुत अच्छा टेस्ट है। महुआ बहुत ही निरोगी फल है और उससे बनी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने खाया है और इस रेसिपी को हमारी बाई ने आपको बना करके दिखाया है। आप ज़रूर बनाइए इसको, अपने घर में खाइए और खिलाइए। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे। आप भी ज़रूर बनाइएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।